हेलो गाइस, टाइगर्स टीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे गोरे भाई। गोरे भाई क्या कर रहे हैं आप? लकड़ी फट रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारे गोरे भाई लकड़ी फाड़ते हुए, और ये आज का प्रोग्राम है कुछ विशेष। ये लकड़ी फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, ये सर्टिफाइड है लकड़ी फाड़ने के मामले में। इनको प्रमाण पत्र मिल चुका है। और देखिए बोली में निगरानी कर रहे हैं आप लोग। हाय बोलिए। और भैया भोजन की तैयारी चल रही है बिल्कुल देसी अंदाज में। देसी अंदाज में अभी दिखाएंगे चल के हम लोग, है ना, क्या बन रहा है। हाँ देखिए। हाँ तो दीपू भैया, आज ये क्या बना रहे हैं आप? आज ये 88 नंबर है। 88 नंबर, तो क्या क्या मसाले मिक्स किए हैं इसमें? मसाले में ये देखिए 88 नंबर मसाला इसको बोलते हैं। अच्छा, ये है, ये 88 नंबर मसाला। तो किसमें पीसा है ये? सिलबट्टे से सब पीसता है। अच्छा अच्छा, और ये जो रखा हुआ ये रेड हल्दी धनिया मिर्चा, अरे वाह, ये भी सिलबट्टे से। ये अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है ये। अच्छा अच्छा, इसमें हल्दी से मिर्च हरी मिलाई जाती है। अच्छा, जो स्वाद अनुसार अपने। अच्छा, ये प्याज का पेस्ट है। अच्छा, प्याज का। हाँ, और ये हमारे आलू है वो भी गुदे हुए। गुदे हुए ये तरीके। अच्छा, ये वाह, काफी एक्सपर्ट हैं आप बनाने में। आज ये इस प्रकार के आलू बनेंगे, इसकी मेकिंग अभी दिखाएंगे दर्शकों को। आज भैया कुछ अलग टाइप से आलू आज जो है तले जा रहे हैं हम लोग, शायद कुछ चटनी के साथ खाएंगे, आप बोल रहे थे अभी। तो क्या किया है आज, कुछ स्पेशल है क्या आलू में? सूजे से छेदा गया है। अच्छा अच्छा, ताकि इसमें जो है ये जब सब्जी बनेगी तो रस भी अंदर चला जाएगा। अच्छा, और इसको फ्राई करके आलू टमाटर की चटनी बनेगी। अरे वाह, तो आलू जो है उसमें लगा करके पहले टेस्ट किया जाएगा, चखने के रूप में टेस्ट किया जाएगा, चखने के रूप में। अच्छा, और भैया ये सब्जी किस प्रकार बन रही है, क्या नाम है सब्जी का? ये सब्जी का नाम तो वैसे यहाँ की पिछले में 88 नंबर का जी, लेकिन ये दूसरे लुक के तरीके से बन रही है। अच्छा अच्छा, तो सभी दोस्त जो भी निर्मित मसाला है, तो भैया हमारे जो बच्चे से बटा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अपने हाथ का बटा हुआ देसी मसाला। अरे वाह, देसी तरीके से बटा हुआ, और लकड़ियाँ भी जो है फाड़ी जा रही है, सब देसी अंदाज में बनता है, सब देसी अंदाज में बनता है। अच्छा, तो भैया अपने दर्शकों को बुलाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, दर्शकों दर्शक तो आएंगे, आने वाले भी आएंगे। बिल्कुल, दीपू भैया क्या कर रहे हैं? ये आलू की धुलाई हो रही है। अच्छा, आलू धुलाई हो रही है, बढ़िया भाई। आप लोग देख रहे हैं कि कितने हाइजीन तरीके से बढ़िया साफ़ सफाई हो रही है आलू की। और दोस्तों कितना आप ये देख रहे होंगे, इसमें एक छेद से आलू में बने हुए हैं, तो इसको जो है सूजे से ज़्यादा गोदा गया है, जिससे कि इसमें नमक है, इसमें मसाले हैं, और फ्राई जो सारा आराम से कायदे से पूरा अंदर तक हो जाए। और दोस्तों ये देखिए, पूरा जो है मसाला है, ये प्याज का लहसुन का, ये 88 नंबर मसाला है। इन सारे को पेस्ट बना लिया, और अब चूल्हा जो है रेडी हो गया। दीपू या देखो इसको जो है ये माचिस से जला रहे हैं, और बढ़िया दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया लकड़ियाँ काट ली गई हैं, और देसी अंदाज में लकड़ियों पे ही बनाया जाएगा। दोस्तों एक बात है कि लकड़ियों में जो भोजन बनता है, व्यंजन, वो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और देखिए आग लग गई है, और हमारा जो ये कुकर चढ़ गया है, ये देख लीजिए आप लोग कितनी तेज़ी से आग जल रही है, और इसमें ऑयल डाल दिया गया है। और जैसे ही ऑयल बढ़िया से गर्म हो जाएगा, तो ये देखिए आलू अभी डाल दिए जा रहे हैं। और दोस्तों पहले हम लोग इस फ्राई आलू को चटनी के साथ जो है, जो सिलबट्टे से जो पिसी जाती है, उसके साथ हम लोग खाएंगे। ये देखिए दोस्तों चटनी आ गई है, और साथ में जलजीरा, ये दीपू भाई बढ़िया मस्त पीस के लाए हैं, टमाटर धनिया मिर्च सारी कुछ सब उसमें पड़ा हुआ, ये है जलजीरा। और दोस्तों ये देखिए आलू फ्राई हो रहा है, और धीरे धीरे जब गोल्डन ब्राउन बढ़िया हो जाएगा, और ये आगे दीपू की बिटिया, दीपू भैया की बिटिया है ये, और ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं, और इसी प्रकार लाल हो जाएंगे, तभी निकाल करके इसको हम लोग जो है का सेवन करेंगे। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये सुनहरा होने लगा है, और अभी थोड़ा सा और समय इसमें चाहिए पकने के लिए। और बोलिए देखिए इसको चला चला के देख रहे हैं बारी बारी से, ये देखिए आलू इस तरह से फ्राई हो गए। और देखिए बोलिए भैया ने ये दिखा रहे हैं आपको आलू, और ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद अभी ये बता रहे हैं भैया आपको अभी क्या बताएंगे, और ये जो गोदा जो है इन्होंने ये बढ़िया से बोलिए भैया ने किया है। भैया बताएं क्या कह रहे हैं आप? इन आलुओं को अभी हम टमाटर की चटनी में हम सभी अपने मित्रों को साथ में शेयर करेंगे, खाएंगे। ओके, हाँ, और आनंद लेंगे इसका और मजा उठाएंगे। और देखिए टाइगर टीम के सारे मेंबर्स मौज मस्ती कर रहे हैं, बारी बारी से अपना कार्य करते जा रहे हैं। ये देखिए बोलिए फिर पहुँचे हैं टेस्ट करने। हाँ भैया हाय बोल दो फ्रेंड को, और ये देखिए भैया ये हाय बोल रहे हैं सभी फ्रेंड को,
और बस अभी आप देखिए आगे ये आ गए आपके आलू। और दोस्तों हम सभी जो है इसको भी टेस्ट करेंगे बढ़िया से चटनी के साथ में। दीपू यदि देखिए उसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरह की प्लेटिंग हो रही है और सभी को ये सर्व कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे आलू हैं। और ये है भैया की बिटिया और इधर बोली भैया लगे हुए हैं अपना काम में। ये देखिए हाँ ये बात देखिए भैया आप, और देखिए आप लोग ये देखिए प्लेटिंग हो चुकी है। अब भैया इसको टेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ये कुरकुरा है और ये देखिए स्वादिष्ट भी है। और हम सब लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों आएँ और पार्टी का मज़ा लें। और आप लोग भी इसी प्रकार से पार्टी दोस्तों करते रहिए, बहुत ही आनंद आता है एक साथ एंजॉय करने में। और हम सभी जो है टाइगर्स एक टूर में जाने से पहले इस तरह की पार्टियां करते हैं और आने के बाद भी इस तरह की पार्टियां करते हैं। ये देखिए दोस्तों आप लोग, और दोस्तों बचे हुए आलूओं को फिर से फ्राई कर लिया गया, ये देख रहे हैं आप लोग। और अब जो सारा पेस्ट था हल्दी मिर्च धनिया और टमाटर का सारा सिस्टम भी जो था पूरा, और 88 नंबर का भी अभी आगे आएगा। तो दोस्तों ये जो हरी मिर्च धनिया का सारा पेस्ट था ये सब कुछ है इसमें डाल दिया गया ऑयल में, और सब्ज़ी 88 नंबर बनाने के लिए, और अभी हो जाएगी 90 नंबर क्योंकि अभी इसमें आगे एक और चीज़ भैया डलवाएंगे। तो आज भैया ने मजाक उसको 88 को 90 नंबर सब्जी कर दिया है। ये देखिए दीपू भैया बता रहे हैं और अभी इसको दिखाएंगे। ये देखिए आप लोग, और देखिए दोस्तों जो मसाला है धीरे धीरे अब ये पक रहा है, और जब ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कायदे से हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा तो फिर जो है इसके बाद आगे की सामग्री इसमें डाली जाएगी। वही डिस्कशन चल रहा है अभी कि इसमें अब क्या क्या डालना है और कितना ये हो गया है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे टाइगर टीम चैनल के माध्यम से, और सब लोग बैठे हुए हैं और अपना इन्जॉय कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए आप ये देख रहे हैं इसमें मिर्च है और ये अदरक हो गई, अपना लहसुन हो गया, इन सभी का ये पेस्ट है ये इसमें पुनः डाला जा रहा है। और बढ़िया दोस्तों देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही ये सिलौटी से जो है पिसा हुआ सारा सामग्री है, तो बिल्कुल गांव के देसी अंदाज में ये बन रहा है और इसका एक स्वाद ही अलग है दोस्तों। तो जैसे ही इसमें पड़ गया है अभी धीरे धीरे जब ये गोल्डन ब्राउन होगा कायदे से हो जाएगा तो इसके बाद और भी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। और ये देखिए भैया इसको चला रहे हैं बड़ी तैयारी के साथ में और इसको देख रहे हैं चेक कर रहे हैं, धुआँ बहुत ज़्यादा है इसलिए बार बार आँख मूंद रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए और अभी अब ये आपने देखा कि अब ये कुछ ब्राउन इसमें होने लगा है और आग तो देखिए देख रहे हैं बहुत तेज़ जल रही है, तो स्पीड से अपना काम हो रहा है। और ये अनुराग भाई इसमें ये ले आए, इसमें ये पूरा हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला इत्यादि इत्यादि चीज़ों का सब इसमें ये मिश्रण है और इसको जो पेस्ट बना करके इसको डाला जा रहा है। एक्स्ट्रा पानी इसमें जो लगा हुआ है इसको डाल करके हटा लिया जाएगा, तो कुछ पानी इसमें और डाला जाएगा अभी देखिए आप लोग। और धीरे धीरे ग्रेवी जो है और ये टाइट हो जाएगी इस तरह धीरे पकते पकते। और बोली भैया देखिए आ गए हैं, इसको बार बार चेक कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भैया इसको जो है ग्रेवी चेक कर रहे हैं कि कितनी पक गई है, और देखिए बढ़िया धीरे धीरे करते करते ही पक रही है और ऑयल छोड़ रही है। भैया बता रहे हैं कि देखिए 88 नंबर सब्जी बन रही है और इसी प्रकार से बार बार चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अब आ गया है देखिए हमारे सामने मंगोड़े, ये भी दोस्तों एक डिश रखी गई है भैया दीपू ये अपने लाए हैं घर से भाभी के द्वारा बनवा करके, बहुत ही ये जो है इतना बढ़िया बनाया उन्होंने, कुरकुरे कुरकुरे बने हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं टाइगर टीम चैनल माध्यम से। और हम सभी ये देखिए भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। हाँ ये हमारे फौजी भैया चेक कर रहे हैं, ये देखिए बोले भैया ये स्वाद लेते हुए हमारे वरिष्ठ मेंबर देवेंद्र भैया देखिए आनंद ले रहे हैं इसका, और स्वयं दीपू भैया अब बड़ा ही आनंद। और हम लोग चल रहे हैं देखिए सब्जी बिल्कुल धीरे धीरे पक गई है लगभग, अब इसमें आलू छोड़े जा रहे हैं धीरे धीरे, पूरी ग्रेवी मस्त टाइट हो चुकी है और आलू एक एक करके अब ये छोड़ दे रहे हैं भैया हमारे, आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों हम लोग बढ़िया इसी प्रकार से मिल बांट के सारी चीज़ बनाते हैं, अब पूरा आनंद लेते हैं हम लोग बढ़िया से। और आप लोग देख रहे हैं रात्रि का धीरे धीरे समय हो चुका है, हम लोगों ने शाम को संध्या काल बनाना सब शुरू किया था और अभी हो गई है लगभग 6 बज गए हैं और बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आलू हमारे सब्जी में जो है ये आप लोग देख रहे हैं पड़ चुके हैं। और धीरे इसको जो है मिक्स कर दिया जा रहा है कि पूरी ग्रेवी जो है इसमें अंदर से अंदर तक जो इसको सूजे से गोदा गया था वो सारा कुछ इसमें जो है आराम से मेल्ट हो जाए। और दोस्तों अब ये मिक्स कर दिया गया और इसमें जो है पानी डाल दिया गया है अपने क्वांटिटी के अनुसार, और दोस्तों लगभग अब सब्जी इसमें पकने वाली है। अब चलते हैं बोली भैया की ओर। भैया अति सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है आज। हाँ क्या बनवा रहे हैं फिर आज? आज 88 नंबर सब्जी बन रही है। 88 नंबर यहाँ की प्रसिद्ध मूसा नगर की। अच्छा अच्छा हो भैया बढ़िया मस्त है आज। मस्त है
तो सब्जी बन चुकी है भैया? हाँ सब्जी बन गई है और रोटियां तैयारी है। आज के मौसम के बारे में क्या कहना? मौसम तो बहुत सुंदर है, आनंद मिल रहा है। आज ठंडा कुछ कम है, सर्दी हवा चल रही है, बाकी मौसम बढ़िया है, बस तैयारी हम लोग बैठे हैं खाने खाने के लिए बस। ये देखिए टमाटर कट के रेडी हो चुके हैं, बस इनको जो है हाफ हाफ डालना है, कोई भी और इसका पीस नहीं करना है, इसी प्रकार से पड़ जाएंगे ये। ये देखिए सब्जी में पानी पड़ चुका है जी, बिल्कुल। ये देखिए इसकी ग्रेवी गाढ़ी है, अभी और पकेगी 20 मिनट जी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल खालती हुई सब्जी आपको हमारा जी, और इसमें मिर्ची भी पड़ी हुई है, ये देखिए मिर्च, खड़ी मिर्च। और अनुराग बाबू जी भैया क्या कह रहे हैं, कौन सी नई डिश डाल रहे हैं? हाँ इसमें आज दोस्तों एक खास चीज और पड़ेगी। अच्छा वो है, अभी आपको दिखाते हैं, दिखाई जरा आज क्या दे रहे हैं। ये देखिए दिखाई जरा, आज उसमें पड़ेगा टिफिन खुल जा करो, ये देखिए ये आज ये मंगोड़े पड़ेंगे। अच्छा तो ये करायल के रूप में बनेगा एक, तो जैसा कि आपने देखा था पहले वीडियो, हम लोग जो है मंगोड़े खा रहे थे, हाँ डाल दिया जाए, हम लोग डाल रहे हैं इसको अंडे की जगह, हम लोग अब वेजिटेरियन हो गए हैं तो इसलिए इसको जो है हम लोग इसमें डाल रहे हैं। ये क्या भैया क्या बन जाएगा, करायल के रूप में काम करेगा ये? करायल के रूप में, और इसको और भी सब्जी के नाम दे दिया जाएगा अभी सोचते। दोस्तों ये आइडिया जो है भैया के दिमाग में आया था, भैया कह रहा है ये 90 नंबर हो जाएगी, ये क्या नंबर हो जाएगा भैया? ये 90 नंबर बन जाएगा, 88 से 2 नंबर बढ़ेगा इसका, ये सब्जी के नंबर हो गया 90 90 बिल्कुल आज से ये पक्का। ये देखिए ये किस तरह से एकदम जो ये वो वाला खोल के आ गए हैं, इसको ढूंढा जा रहा है। ये देखो करायल देखो फूल गया है बिल्कुल। दोस्तों इसको कुछ और मत समझना आप लोग जो देख रहे हो, ये आलू है, मंगोड़ी की पीस है ये, ये और कुछ नहीं है। और कोई पीस है समझे, ताजे मंगोड़े बनाए, ताजे मंगोड़े जो आप अभी डालने के लिए, जी जी बिल्कुल, जो अभी हम लोगों ने नाश्ता में किया। और भैया कैसा लग रहा है आज शो को? बहुत बढ़िया लग रहा है। हां न्यू ईयर के बाद ये हमारी पार्टी है, सेकंड पार्टी भैया, हां घूमने की तैयारी के पहले रिहर्सल है। हम लोग घूमने से पहले हम लोग एक पार्टी जरूर करते हैं, और कल से हम लोगों का अगला प्रोग्राम निश्चित हो जाएगा। जी 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 इसी बात से कार्यक्रम चालू है, तो वो भी वीडियो आपको सबको देखने मिलेंगे है ना भैया? वो भी रहस्यमय स्थान है भाई, उसका कारण था कि सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही थी। जी बिल्कुल भैया, तो सर्दी की वजह से सब लोगों को दिक्कत भी थी, बिल्कुल सब प्रकार के लोग हैं, हम लोग उम्र के भी हैं, बच्चे भी टाइप के। और जैसा कि आपने देखा था कि अभी एक हम लोगों ने साईं मंदिर दिखाया था, तो वहाँ हमारे भैया लोग जो है थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं जा पाए थे, और सर्दी भी थी मुख्य रीजन था सर्दी, और हालांकि हमको जाना था दिल्ली, तो हमने सोचा दोस्तों दिखाते चलते हैं मंदिर भी, बहुत बढ़िया किया वो आपने। बाकी गौरैया की जो सारी चीज़ें हों वो आपको दिखाई जाएंगी अभी आपको आगे, चलिए चलते हैं अपनी पार्टी की ओर। भाई क्या डालना है इसमें? अभी इसमें जो आधा कटा हुआ टमाटर है जी, ये हमारा इसमें पड़ेगा, क्योंकि रसा हमारा जो है वो लगभग खोल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके उपरांत मुश्किल से 10 मिनट और पकाएंगे हम लोग। अच्छा और सब्जी रेडी हो जाएगी? हाँ सब्जी रेडी हो जाएगी। तो अभी 88 से 90 नंबर हो गया ये? अभी ये 90 नंबर बोलेंगे इसको, 90 नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो मंगोड़े पड़ गए। हाँ और भैया ने एक नया नाम इसका। अच्छा और इधर चलते देखो, बगल में हमारे जो है गोरे भाई ये बढ़िया आटा मार रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या डाले हो भाई? आटा तेल पानी और बेसन। बेसन बेसन देख रहे हैं दोस्तों, तो कुछ आज डाला दूसरा डाला चना मिला के, चना। अच्छा अरे वाह, और इसमें खास चीज और डालते हैं ये मालूम क्या? क्या इसमें वो डालते हैं? एक बटर की टिकिया। अच्छा ये इनके खास आइटम इनका है। तो दोस्तों इसी तरह ये मारेंगे अभी पटक पटक करके, और बढ़िया आटा गूंदने के बाद बनेगी मिस्सी रोटी। अच्छा चलिए चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको और भी सिस्टम हो गया है। आप लोग देख रहे हैं बढ़िया पेड़ का टूटा नींबू है। और ये देखिए गोरे भाई रोटियां तैयार हो रही हैं, तैयार हो रही है। ये देखिए जो आपने देखा है आटा गूंथा हुआ, ये देखिए अब बढ़िया आग चुका है। और ये देखिए इतनी छोटी छोटी रोटियां गोल गोल बन रही हैं, और बिल्कुल देसी अंदाज में ये हमारे गोरे भाई बनाने में लगे हुए हैं, और साथ में सहयोग ये देखिए ये आ गया आपकी सिक्की रोटी, और बना कौन रहा है ये देखिए आप लोग। हाय टाइगर टीम में थर्ड मेंबर फुल रंगबाजी के साथ चूल्हे में धना लपेटते हुए, ये देखिए एक सिक रही है वो, अभी सब लोग जो है मक्खन के साथ में सर्व किया जाएगा, आपको सर्विंग दिखाएंगे। और देखिए रोटियां पेपर पर रखी हुई हैं और ये बन रही हैं, और ये दीपू जी की बिटिया जो बहुत ही कंजूस है, ये देखिए हाय करो जय। देखिए दोस्तों अभी ये पेड़ से तुलवा करके ये नींबू मंगाए गए हैं, बिल्कुल शुद्ध तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका स्वाद बहुत बढ़िया ताजे हैं, ये मार्केट से नहीं खरीदे गए, ये अभी तोड़ के मंगाए गए हैं, ये पेड़ लगाया हमारे नजदीक। मज़ा आ गया।
गंदा कर दिया, नहीं तो चले जाते, परेशान हो गए थे। शुरू किया जाए भाई? शुरू करें भाई। हाँ भैया, भैया बताओ ये टेस्ट कैसा है? आगे दिखाओ इसको, इसको बिटिया की रोटी दो ना। है रोटी है उसको, है उसको। हाँ खाओ, खा लो। कैसा टेस्ट? रोटी भिजवा बेटा।